अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। चैप्टर नंबर आपके पास ये 4 है और इसका नाम आपके पास लीनियर इन इक्वेशन। ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 4 जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आपके पास सिंगल एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्वड एग्जांपल से पहले बेसिक कंसेप्ट का वीडियो करवा रखा है, उसमें है ना सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट बता रखा है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा, और साथ ही सॉल्वड एग्जांपल्स भी आपको स्टेप वाइज मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। अब बात आती है यहाँ पे, आपको आइडिया हो गया है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को करना है यहाँ पे और भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास कुछ इस तरीके से देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपके पास इसमें अभी जो सॉल्व करवाऊंगा उसमें सबसे यही करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना, बेसिकली सॉल्व करना है और आपको उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। चलिए, तो एक तो आपके पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट गिवन है ऑलरेडी। रिप्लेसमेंट सेट बोले तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन से सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। चलिए एक बार करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास 2x-7 <4 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा रखा है तो आपको आइडिया होगा। अभी ऐसा ये क्या करा जाए, यहाँ पे लिख देंगे adding both side 7, right? तो क्या 7 ऐड करने से क्या होगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, x को जनरली चाहते हैं कि अकेला वेरिएबल बचे बाकी सारे गायब हो जाए, तो पहले 7 को गायब करूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है एडिंग 7 बोथ साइड इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कर देता हूँ एडिंग 7 बोथ साइड। चलिए 7 ऐड करते हैं, इधर बचेगा सिर्फ 2x और इधर आ जाएगा आपके पास 7 ऐड करते हैं 11 बना लेगा, क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास है सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 2 को गायब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इधर x बचेगा और ये लेस देन हो जाएगा और इधर 11/2 आ जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ऑफकोर्स 5.5 मिलेगा मुझे, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 5.5 से बिलो। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या है x की वैल्यूज, तो इन्हीं में से हमें चूज करना है। तो x की वैल्यू जो एक नया सेट बनेगा वो 5.5 से लेस होगा, ऑफकोर्स 1-5 तक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हो गया 1, 2, 3, 4 and 5। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे आप 0 ले लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव साइड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, सिर्फ यही नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ 1 को आप डार्क कर दीजिए, 2 को डार्क कर दीजिए, 3 को डार्क कर दीजिए, 4 को डार्क कर दीजिए और 5 को डार्क कर दीजिए, बस परफेक्ट नंबर ये आपको रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके हर एक क्वेश्चन में दिखाना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों के, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, ये ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास, क्या कहता है। अगेन वी हैव टू सॉल्व, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 2x-3 > 3 3 ऐड करते हैं तो दोनों साइड, ठीक है, एडिंग 3 बोथ साइड लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x > 3 ऐड करते हैं ये गायब होगा, इधर 6 बन जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, x > 3, एक्स की वैल्यू क्या है > 3, और हमें सॉल्यूशन सेट में क्या है 1, 2, 3, 4, 6 है, मतलब 1, 2, 6 है बेसिकली। एक्स की वैल्यू > 3 है, मतलब 4, 5, 6, ध्यान रखिएगा 3 नहीं आ सकता क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 4, 5 and 6 हमारा सॉल्यूशन सेट बनकर निकल कर आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 एंड सो ऑन। तो हमें 4 को डार्क कर देना है, 5 को डार्क कर देना है, 6 को डार्क कर देना है, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, इन्हीं में से नंबर चूज करना है आपको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास 9 > 1 - 2x, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 दोनों साइड ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो दैट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला गायब हो जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट करते इधर 8 बचेगा और ये वाला गायब हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करते इधर -2x बचेगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से बोथ साइड डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट का भी वीडियो में बताया है और सॉल्व एग्जांपल में भी इसको करवाया हुआ है। तो ये बचा लेगा -4 और ये < बन जाएगा > और यहाँ से x बच जाएगा क्योंकि -2 से -2। अब x की वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे लिखूं या x > -4, मैं ऐसे लिखूं एक ही बात है, बात समझ में आ गई। अब मेरे पास क्या है,
अब मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड था। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जो मुझे इक्वेशन दिया है इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस फोर भी हो सकता है, देखिए इक्वल टू का साइन है, और उससे लेस भी होगा, मतलब माइनस फोर, माइनस फाइव और माइनस सिक्स इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ऐसा मत समझना कि बड़े नंबर हो रहे हैं, नेगेटिव में नेगेटिव वो नंबर जा रहे हैं आगे, इसका मतलब वो और भी छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे हम, इधर जीरो ले लेता हूँ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है, और माइनस का सिक्स और सो ऑन कर देते हैं। हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना, फोर फाइव सिक्स, तो माइनस का फोर ये रहा, माइनस का फाइव ये रहा, माइनस का सिक्स ये रहा, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास थ्री एक्स माइनस का फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स इज ग्रेटर देन वन बाई टू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए दोनों साइड कोशिश करूंगा गायब हो जाए, तो मैं सिक्स से मल्टीप्लाई करते तो बहुत साइड, इससे क्या फायदा होगा, इधर से सिक्स उठ जाएगा तो यह आ जाएगा थ्री एक्स माइनस का फाइव इज ग्रेटर देन, यहाँ बनेगा सिक्स मल्टीप्लाई टू से काट देंगे तो बचेगा थ्री। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सिक्स। चलिए अब आपने को x की वैल्यू चाहिए, तो फाइव को गायब करना पड़ेगा, तो एडिंग बोथ साइड फाइव आगे वासन में, तो ये एट बना लेगा, ये गायब हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो x इज ग्रेटर देन थ्री से डिवाइड कर दूंगा तो एट अपॉन में थ्री आ जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो टू पॉइंट समथिंग समथिंग आगे चला जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आएगी है ना, इसको हमने डिवाइड करने के बाद ये चीज लाया है तो टू पॉइंट से ग्रेटर होगी वैल्यू, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू टू से ग्रेटर क्या क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं टू थ्री फाइव सिक्स को, टू थ्री टू टू तो आएगा नहीं क्योंकि टू पॉइंट सिक्स है, तो थ्री फोर फाइव सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जीरो लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, थ्री टू सिक्स दिखाना है अपने को, तो एक ये रहा, इसको डार्क कर दीजिए, फोर को डार्क कर दीजिए, फाइव को डार्क कर दीजिए एंड सिक्स को भी डार्क कर दीजिए एंड सो ऑन, हो गया है ना। आगे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए वो इन्फिनिटी के लिए बोला है कि नंबर और आगे जा रहा है, ठीक है, यही चार नंबर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा दिया जाए, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव। अगेन इसको हमें सॉल्व करना है, पहले मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ब्रैकेट को हटा देता हूँ, सेवन एक्स माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ट्वेल्व, माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिक्स एक्स माइनस का फिफ्टीन, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, इलेवन एक्स माइनस का ट्वेल्व ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस का फिफ्टीन आएगा, बात समझ में आ गई। चलिए प्लस कर देता हूँ ट्वेल्व, इलेवन एक्स ये गायब हो जाएगा, और इधर ट्वेल्व प्लस करते ही माइनस का थ्री बच जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बोथ साइड एडिंग बोथ साइड ट्वेल्व कर दिया मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या चाहिए, सिक्स एक्स को एक साइड लाता हूँ मैं, इधर लाता हूँ तो सिक्स एक्स से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड को, इधर बच जाएगा मेरे पास फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गायब होगा, इधर माइनस का थ्री बचेगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को सिंपल ये चाहिए है ना, एक्स की वैल्यू चाहिए तो फाइव से दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अपॉन में फाइव आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा जीरो पॉइंट सिक्स नेगेटिव का। तो चलिए अब यहाँ से हम चेकआउट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, 0.6 से और कम हो सकता है, मतलब माइनस वन हो सकता है, यस माइनस टू हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है, बस यही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ये आ गया माइनस वन, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया माइनस फोर एंड सो ऑन, सिर्फ आपको ये तीन को डार्क करना है बस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, बात समझ में आ गई। एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो गलत कर दिया मैंने, सॉरी ये मैंने लेस देन का कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे कहीं ये वैल्यू लाई करेगा माइनस 0.6, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा 0.6 नेगेटिव का, तो ऑफकोर्स मैं नेगेटिव तो नहीं दिखाना क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ऑफकोर्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंट तो क्या ही करें, यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 0.6 ग्रेटर नंबर ले लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और थ्री आ जाएगा, तो जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, तो जीरो को डार्क कर दीजिए, वन को डार्क कर दीजिए, टू को डार्क कर दीजिए, थ्री को डार्क कर दीजिए, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, क्योंकि इससे क्या है ग्रेटर देन वैल्यू लेने हैं, तो ग्रेटर देन वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉसिबल, तो जीरो वन टू और थ्री पॉसिबल है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, डन है, फील आया। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर फाइव, फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब हम आगे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके तो देखिए अब हम आगे क्वेश्चन भी कंटिन्यू कर लेते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगेन आपके पास एक्स की वैल्यू निकालनी है और आपके पास रिप्लेसमेंट सेट में क्या है नेचुरल नंबर है, सिंपल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो फोर माइनस का थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस का फोर्टीन, चलिए
तो इस 4 को गायब करता हूँ तो दोनों साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, और 4 सब्ट्रैक्ट करते ही माइनस का 18 बन जाएगा। जी हाँ, माइनस का 14 पहले से था और माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 18। अब क्या करते हैं, इस 3x को इधर लाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3x, तो आ जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, 3x सब्ट्रैक्ट कर रहे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये गायब हो जाएगा, इधर माइनस का 18 बचेगा। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, और आपको पता है माइनस 6 से जब हम डिवाइड करते क्या होता है, रेसिप्रोकल, बेसिकली इनवर्स, क्या कहते हैं इसको, ये जो इनक्वालिटी का साइन वो रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 6 से डिवाइड करते हैं, इधर ये गायब हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बना लेगा, ये 3 बना लेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक करना है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 है और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ऑफकोर्स 1, 2 और साथ में 3 भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। 6x माइनस का 5x, 6 माइनस का 5x ग्रेटर देन 3 माइनस का 4x, अगेन नेचुरल नंबर है, मैं 6 पहले उड़ा देता हूँ, तो 6 से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, किधर बचेगा, माइनस का 5x ग्रेटर देन, और 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3 और 4x बचेगा माइनस का। देख लीजिए एक बार मैंने क्या किया, मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो गायब होगा, माइनस का 5x बचा, और यहाँ पे अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 माइनस का 6x, माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 4 यूं ही छोड़ दिया, माइनस का 4x बेसिकली। अब क्या करें, x को एक साइड लाना है तो 4x प्लस कर दे दोनों साइड, तो इधर 4x प्लस करूंगा तो x आ जाएगा नेगेटिव का, और ग्रेटर देन इधर ये गायब हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3। अब आपको पता है अपने को नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं है x में, x को गायब करने के लिए माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, मर्जी आपकी है। और जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन इनक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है, तो x इज लेस देन हो जाएगा माइनस का 3, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, तो x की वैल्यू लेस देन 3 हो गया। अब क्योंकि लेस देन 3 है तो सिर्फ जो सॉल्यूशन सेट बनेगा सिर्फ 1 और 2 आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं है कि मैं 3 भी इंक्लूड करूं, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया एंड सो ऑन, और इस वाले 1 को और इस वाले 2 को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। समझ में आई बात? क्लियर है, डन है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शनल है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3/5 टाइम्स x माइनस का 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों का ही गायब करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करने की पड़ेगी, दोनों का एलसीएम लेकर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15 ही आने वाला है, 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, देख लीजिए 15 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3x अपॉन में 5, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस 15 मल्टीप्लाई में आपके पास रहेगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय में 3 ग्रेटर देन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इससे इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा माइनस का, इससे इसका करेंगे तो 5 आएगा, ध्यान दीजिएगा ये 5 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा, और माइनस का 5 है प्लस का 15 आ जाएगा, और ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स बचेगा और ये प्लस का 15 बचेगा और ग्रेटर देन आपके पास क्या रहेगा, 15। अब 15 को गायब करना है तो उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे 15 को गायब करना है तो ऑफकोर्स मुझे 15 ऐड करने पड़ेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे दोनों साइड से, तो माइनस का x और ग्रेटर देन इधर बच जाएगा आपके पास 0, इधर भी 0 और ये गायब हो जाएगा और इधर भी आपके पास गायब होगा, 0 बचेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 0 से लेस देन -1, -2, -3 एंड सो ऑन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन सेट दिखा देना है। अब नंबर लाइन पे दिखा देते हैं इसको, तो यहाँ पे कहीं 0 लेते हैं, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप डॉट करके लगा देंगे इसको, और यहाँ पे ये कर देंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहीं पे हम डॉट भी लगा देंगे और आगे हम इसको रोकेंगे ही नहीं। ठीक है, इस वाले लाइन को डार्क नहीं करने का क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंटीजर ही है। ठीक है, अभी रियल नंबर नहीं है कि इस वाले लाइन को डार्क कर सकते हैं, सिर्फ परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट इंटीजर के पास हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, डॉट लगा देंगे, अब तो इन्फिनिटी भी लिख दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। समझ में आई बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्या कहानी है आगे के क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 को चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2x प्लस 7 अपॉन 2
ग्रेटर देन 5/3 एक्स और प्लस का 3 अगेन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग कर रहा था एक्स की वैल्यू, मैंने चेक करा था, दूसरे में भी मैंने नेचुरल नंबर ही ले लिया था। सिट आई थिंक कुछ यहाँ पे मैंने इस वाले का देख लिया था जब सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, तो मैंने नेचुरल नंबर ही कंसीडर कर लिया शायद, तो एक बार चेक कर लीजिएगा होल नंबर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, होल नंबर में 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इस 7/2 को गायब कर देता हूँ मैं, तो 7/2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बहुत साइड, इधर 2x बचेगा ग्रेटर देन 5/3 टाइम्स x प्लस का 3 में 7/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर, तो उधर थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ये आ जाएगा 5/3x, इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 है, और ये 7 माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब आगे मुझे क्या करना है, इस 5/3x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड की, आ जाएगा 2x माइनस का 5/3x और ये ग्रेटर देन माइनस 1/2 बच जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ओनली x/2 बचेगा, आई थिंक x/3 बच जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 हो गया, 6 माइनस का 5x है ना, 6x माइनस का 5x ओनली 1x और डिवाइडेड बाय में आपके पास बच जाएगा 3 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस 1/2। अब ऑफकोर्स मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को एलसीएम लूंगा, 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ लाइक दिस एंड दिस, तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2x और ग्रेटर देन, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। समझ में आ रही है बात, डन है। तो आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो 2 से और डिवाइड कर देते, तो x की वैल्यू -3/2 और x इज ग्रेटर देन माइनस का 1.5 आ जाएगा। जब माइनस का 1.5 से ग्रेटर वैल्यू आई, तो नंबर लाइन पे इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, और ग्रेटर देन है मतलब कि आपके पास -1.5, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए माइनस का 1 यहाँ आएगा और माइनस का 2 यहाँ आएगा, तो माइनस का 1.5 यहाँ पे है, माइनस का 1.5 और इससे ग्रेटर वैल्यू है, और हमें कंडीशन है क्या इंटीजर का, तो 1 हो सकता है माइनस का, ठीक है, 0 हो सकता है, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये तो पता करने के लिए था, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा, तो इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी लिख दीजिए, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं, लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 2x प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस का 1। 3 ऐड कर देता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो दैट ये गायब हो जाती है, आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू और अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3x माइनस का 2 बच जाएगा, और 3x दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर माइनस का x बचेगा और ये वाला गायब हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते ही रिवर्स हो जाएगा, आपके पास इनइक्वालिटी का साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। देख लीजिए किससे बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 क्योंकि ग्रेटर देन है इसीलिए, तो यहाँ पे 2 से 2 को इंक्लूड करना है और साथ में रियल नंबर है तो लाइन को भी डार्क करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या होंगे आपके पास इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप दिखा दोगे नंबर लाइन पे, क्लियर है, डन है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है, ये वाला देखिए रियल नंबर से फिर से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों साइड को मैं क्या करता हूँ, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2, 3 + 6 होगा ना, इससे फायदा क्या होगा, इसे एक कटेगा 2 आएगा, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस का 16 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे इसको काट देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस का 21 आ जाएगा। देखिए सिंपल हो गया ना, अब क्या करेंगे 16 ऐड कर देता हूँ, ये 10x है, ठीक है, इधर 10x ही बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 12x और माइनस का, क्योंकि 16 हमने ऐड कराया तो माइनस का 5 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 12x हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सॉरी, या जब आ जाएगा माइनस का 2x इधर 12x अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये गायब हो जाएगा, इधर माइनस का 5 बचेगा। ऑफकोर्स मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू एक्स की, तो यहाँ पे माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और आपको पता है माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या होता है एक्स, और ये रिवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव कैंसिल, तो 2.5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, तो इसको अगर मैं रियल नंबर पे डिफाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कहीं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो लेस देन इक्वल टू 2.5 है, तो कहीं यहाँ पे होगा आपके पास 2.5, इसको आपको डार्क कर देना है, रीजन सिंपल है देखिए, क्योंकि इंक्लूडेड है, और इधर लेस देन वैल्यूज है मतलब -1, -2 है ना, -2 और ये सो ऑन चलता रहेगा, और ये वाला लाइन जो डार्क होता है वो चला आएगा, रीजन सिंपल है, आपको पता है रियल नंबर है, सारे वैल्यूज इंक्लूड होंगे इसमें, है ना, इस तरीके से आपको दिखा देना। समझ में आ रही है बात,
डन है, फेल आया। तो ये है आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे आपके पास सिंपल सिंपल थे, एक एक इनक्वालिटी का जो साइन था वो इन्वॉल्व था, राइट। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, रीजन बिहाइंड इट। आगे वाले सारे क्वेश्चन में क्या आपके पास दो दो इनक्वालिटीज इंक्लूडेड होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया है, आपको आइडिया होगा ही, बट ठीक है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।